नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। चुनाव आयोग के एक नोट से संकट में आ सकते हैं आपके 21 विधायक। एक आरटीआई के जवाब में चुनाव आयुक्त ने कहा, मुख्यमंत्री को ही है संसदीय सचिव रखने की इजाजत। मोदी कैबिनेट में 23 जून तक बड़ा फेरबदल संभव, 4 नए चेहरों को मिल सकती है जगह। सूत्रों के मुताबिक हटाए जा सकते हैं गिरिराज सिंह, नकवी का होगा प्रमोशन। जम्मू कश्मीर के तंगधार में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, मुठभेड़ में सेना ने 4 आतंकियों को किया ढेर, एक जवान शहीद। इशरत मामले में गायब फाइलों की जांच में बड़ी धांधली का खुलासा, इंडियन एक्सप्रेस ने जारी किया बीके प्रसाद और गवाह की बातचीत का ऑडियो, प्रसाद ने आरोपों से किया खारिज। टॉपर्स घोटाला मामले में बिहार बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष और उनकी पत्नी के खिलाफ वारंट जारी, मास्टरमाइंड बच्चा राय के घर एसआईटी की दबिश, लाखों रुपए के कैश और गहने बरामद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं राजधानी दिल्ली से, जहां आपके 21 विधायकों की सदस्यता पर मंडरा रहा खतरा और बढ़ गया है। दरअसल आरटीआई के एक जवाब में चुनाव आयोग ने आरटीआई एक्टिविस्ट विवेक गर्ग को एक नोट भेजा है और इस नोट में लिखा है कि चुनाव आयोग ने संसदीय सचिवों से जुड़े कानून के बारे में दिल्ली के मुख्य चुनाव आयुक्त से जानकारी मांगी थी, जिसमें बताया गया है कि दिल्ली मेंबर्स ऑफ असेंबली एक्ट 1997 के मुताबिक दिल्ली में सिर्फ मुख्यमंत्री के दफ्तर में संसदीय सचिव नियुक्त किए जाने का प्रावधान है। साथ ही ये भी लिखा गया है कि कानून के मुताबिक दिल्ली में किसी मंत्री के दफ्तर में संसदीय सचिव नियुक्त किए जाने का कोई जिक्र नहीं है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति ने दिल्ली सरकार के उस बिल को मंजूरी देने से मना कर दिया था, जिसमें संसदीय सचिव की पोस्ट को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी लाभ के पद से अलग करने का प्रस्ताव था, जिसके बाद अब विधायकों पर खतरा और बढ़ गया है। बढ़ते हैं अगली खबर पर। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार कैबिनेट में बड़ा फेरबदल करने जा रही है। खबर है कि एनडीए सरकार की कैबिनेट में 4 नए चेहरों को जगह मिल सकती है। इनमें कम से कम एक मंत्री उत्तर प्रदेश से होना लगभग तय है। ये फेरबदल 21 से 23 जून के बीच हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दूसरे कैबिनेट विस्तार और फेरबदल में काम करने वालों को जहां पुरस्कृत करेंगे, वहीं बेहतर प्रदर्शन नहीं करने वालों को बाहर का रास्ता भी दिखाया जा सकता है। चर्चा है कि बिजली मंत्री पीयूष गोयल और राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का प्रमोशन होगा और उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जा सकता है। इस बार ओम माथुर, श्याम चरण गुप्ता जैसे लोगों का नाम मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर खबर ये भी है कि लघु उद्योग राज्य मंत्री गिरिराज सिंह की कुर्सी खतरे में है। गिरिराज सिंह के साथ निहाल चंद और नजमा हिप्तुल्ला की कुर्सी भी जा सकती है। अगली खबर जम्मू कश्मीर से, जहां नियंत्रण रेखा के पास तंगधार सेक्टर में आज सेना को बड़ी कामयाबी हासिल हुई। सेना ने घुसपैठ की एक कोशिश नाकाम कर दी है। दोनों तरफ से हुई गोलाबारी में सेना ने 4 आतंकियों को मार गिराया, लेकिन इस मुठभेड़ में एक जवान भी शहीद हो गया है। पिछले 3 दिनों में इस क्षेत्र में घुसपैठ का ये दूसरा प्रयास है। इससे पहले मंगलवार को कुपवाड़ा जिले के माछिल सेक्टर में भी आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की थी, लेकिन इस दौरान सेना से उसका आमना सामना हो गया, जिसके बाद शुरू हुई मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया जबकि एक जवान शहीद हो गया। इस अभियान में 4 जवान घायल भी हुए थे। आपको बता दें कि पिछले 1 महीने में घुसपैठ की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। चलते हैं अगली खबर पर। इशरत जहां मामले से जुड़ी फाइल गायब होने की जांच में बड़ी धांधली का खुलासा हुआ है। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने जांच समिति के मुखिया बीके प्रसाद और मामले के गवाह अशोक कुमार के बीच की बातचीत का ऑडियो जारी किया है। इस ऑडियो में बीके प्रसाद गवाह अशोक कुमार को बता रहे हैं कि उनसे क्या सवाल पूछे जाएंगे और उन्हें किस तरह उन सवालों का जवाब देना है। जारी किए गए ऑडियो के मुताबिक प्रसाद फोन पर गवाह को सिखा रहे हैं कि मुझे यह पूछना है कि आपने पेपर देखा, आपको कहना है कि मैंने पेपर नहीं देखा। हालांकि बीके प्रसाद ने खुद पर लगे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। वहीं इस मामले को लेकर पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने एनडीए सरकार पर जोरदार हमला बोला है। चिदम्बरम ने कहा कि रिपोर्ट से एनडीए सरकार की पोल खुल गई है। उन्होंने कहा कि झूठी रिपोर्ट भी सच को नहीं छिपा सकती, असली मुद्दा यह है कि एनकाउंटर फर्जी था या असली। अब खबर बिहार से, जहां फर्जी टॉपर घोटाले में जांच तेज हो गई है। इस सिलसिले में अब बिहार बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष लालकेश्वर सिंह और उनकी पत्नी उषा सिन्हा के खिलाफ अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। मामला सामने आने के बाद लालकेश्वर सिंह ने इस्तीफा दे दिया था और इसके बाद से ही वो फरार चल रहे थे।
वहीं दूसरी तरफ एसआईटी ने आज जेल में बंद मास्टरमाइंड बच्चा राय के घर पर दबिश दी। एसआईटी ने छापेमारी में 20 लाख रुपए से अधिक के जेवरात और 1 लाख रुपए बरामद किए हैं। करीब 4 घंटे तक चली छापेमारी में एसआईटी को कुछ अहम दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। आपको बता दें कि 6 जून को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर शिक्षा विभाग की ओर से बच्चा राय के खिलाफ केस दर्ज किया गया था, जिसके बाद 6 दिनों तक बच्चा राय भूमिगत रहा और एसआईटी की दबिश को देखते हुए उसने नाटकीय ढंग से अपने विष्णु देव राय कॉलेज में आत्मसमर्पण कर दिया था। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।